मुताबिक चंद लम्हे आपके ले रहे हैं एहकाम के एतबार से और आज़ादारी के एहकाम का बयान चल रहा है और आज के बयान में ये आएगा कि आज़ादारी अंजाम देने के मुख्तलिफ तरीके और चूँकि पहली तकरीर में ये बयान किया गया कि आज़ादारी ताज़ियत का एक तरीका है तो हर जगह हर इलाके कौम कबीला मुल्क करिया के बदलने से आज़ादारी के मसादीर भी तब्दील हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी जगह पे आज़ादारी जो है वो खाली मर्सी खानी को कहा जाता हो सकता है किसी जगह आज़ादारी को खाली जो है मातम करने को कहा जाता हो। कोई मुय्यन और मखसूस अरकान का नाम नहीं है बल्कि हर इलाके और कौम कबीले के एतबार से आज़ादारी के मिस्ताक बदल सकते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बल्कि इराक में भी आज़ादारी जो की जाती है उसमें सीना जनी भी होती है, नौहा पढ़ा जाता है, आज़ादारी होती है, सीना जनी होती है और इसी तरह जंजीर जनी और कमर जनी भी होती है। जंजीर जनी और कमर जनी हर आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से देखेगा कि अगर उसका मर्जा इजाज़त दे रहा है तो वो करेगा और अगर वो नहीं जिसकी तकलीफ करता है वो इजाज़त नहीं देता तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जो अक्सर मराजे जो इसकी इजाज़त देती हैं और आप देखते भी हैं कि वो देहरात के अंदर भी जो है वो आशूर के दिन जो है वो कमरदनी होती है और हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो आशूर पे चेहरों पे और मुख्तलिफ मौके पर अय्याम आज़ा में पुरसदारी में जो है वो जंजीर का मातम होता है। तो बयान आज का ये है कि मातमदारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदर मंजिला से कोई इनकार नहीं। जो जब्बार इमाम हुसैन है, जो मातमदार इमाम हुसैन है, उसका मरतबा उसकी मंजिलत नाकाबिल बयान है, उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मातमदार अगर कोई आज़ादारी में फेल अंजाम दे रहा है तो इसकी वजह से ये जो रवायात आया कि आज़ादार इमाम हुसैन की ये फजीलत है या जब्बार इमाम हुसैन की ये फजीलत है, ये फजीलत आयमा अलैहिस्सलाम ने बयान की, इसका अजर उसको दुनिया में भी मिलेगा आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन इस आज़ादारी से इस ज़ियारत से उसका ज़ाहिरी एतबार से कोई स्टेटस बुलंद होता नजर नहीं आता कि मतलब आप उसको कोई अगर हर साल ज़ियारत पे जाना शुरू कर दे तो हम कहना शुरू कर दें कि ये मर्जी हो गया, मर्जी नहीं हुआ। या कोई अगर जो है मातमदारी कर रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ गलत फहमी है जिसको आज बयान किया जा रहा है कि जब भी कोई जंजीर का मातम करता है या कमा का मातम करता है तो अक्सर के जहनों में ये बैठा हुआ है कि जंजीर के बाद लगने के बाद या कमा लगने के बाद जो खून निकलता है वो खून पाक है। ये गलत फहमी न जाने क्यों आ गई है। अगर ये खून इमाम हुसैन का होता तो वो एक अलग बात थी, वो मौजू ही अलग है। लेकिन जो मातम कर रहा है वो हुसैनी है, हुसैन का मातमदार है, माज़ल्लाह इमाम हुसैन नहीं। तो जो उसके बदन से निकल रहा है वो इमाम हुसैन का खून नहीं है, वो उसका खून है जो इमाम हुसैन के नाम पे निकल रहा है। तो चूंकि ये उसका अपना खून है तो हर खून है जहिंदा के जो जानदार है कि जिसकी रक काटी जाए तो खून उछल कर निकले, उसका खून नजीज है। अब चाहे ये जंजीर लगने से निकले, चाहे ये कमा लगने से निकले, चाहे ये कांटा चुभने से निकले, चाहे ये किसी और तरीके से खून निकले, चाहे वो मातमदार हो चाहे गैर गैर मातमदार हो, तेरा खून नजीस है। अब खून नजीस है तो चूंकि जिनके जहन में ये बैठा हुआ है कि अगर जंजीर का मातम करेंगे जो खून निकलता है वो खून पाक है, तो फिर वो अपने लिबास भी पाक समझते हैं जबकि ऐसा नहीं। जंजीर जनी की आपने आपका जो खून निकला वो खून नजीस है। अब जो लिबास आपने पहना हुआ था वो खून आलूदा हो गया, वो नजीस हो गया और अगर उसको ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करना है पहनने के लिए कि इसमें तहारत शर्त है, जैसे नमाज के लिए नजीस कपड़ा पहनना हराम नहीं, आपको अगर नमाज नहीं पढ़नी आप अपना नजीस लिबास पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको नमाज पढ़नी है तो बहरहाल उसमें तहारत शर्त है और वही लिबास पहनना है तो बहरहाल चाहे जंजीर किया हुआ खून हो चाहे कमर लगाया हुआ खून हो, उस खून को पाक करना
पढ़ेगा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद मुकाम मंजिलत एलिवेट।